गुड इवनिंग हिपो फैमिली। एक्चुअली ये बहुत ही रिक्वेस्टेड ब्लॉग था, बट काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया है, उसके लिए वी बोथ अपोलोजाइज। हाँ हितेश, यस। तो बस यही कि कुछ था, कोई रीजंस थे ऐसे कि नहीं बना पाए, थोड़ा बिजी हो गए थे। तो अभी हमारा ऐसा क्या है कि ये जो ब्लॉग आज का है बहुत ही रिक्वेस्टेड इसलिए है क्योंकि जो हमारी अभी तक सबसे लंबी ट्रिप थी लद्दाख की, उसके लिए काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था कि आपकी आइटनरी का बजट कैसा रहा, जो कि हमने ब्लॉग में नहीं बताया था क्योंकि हमने इसके लिए एक अलग ब्लॉग बनाना था जो कि आज का है। तो अभी हम बस इस ब्लॉग में वही बताएंगे कि हमारा 6 दिन का ट्रिप का बजट कितना रहा है और कैसे हमने कंजूसी से अपनी ट्रिप निकाली है। शुरू करें फिर? करें या अभी वेट करते रहें? नहीं, अब हम शुरू करते हैं। फाइनली सर दर्ज के बैठ गए ना ब्लॉग के लिए। तो एक्चुअली जो हमने बजट प्लान क्यों रखा, ऐसा नहीं था कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, वी हैव लिमिटेड मनी एंड रिसोर्सेज, ऐसा नहीं था। हमें ये एक्सपीरियंस करना था कि लद्दाख में हम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दिन, मतलब जितना हम लद्दाख कवर करते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन अपने बजट में कैसे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस चीज़ हमें वो करनी है। हमारी शुरुआत हुई दिल्ली से। दिल्ली से हम लोग निकले, हम लोगों ने दिल्ली से निकलते सबसे पहले डीजल डलवाया। मैं आइटनरी डीजल लेके गया था, मैंने डीजल डलवाया उसके अंदर 4,000 रुपये का, एग्जैक्ट 4,000 का डीजल डलवाया। फिर आगे जैसा भी होगा उसके मैंने सोचा था कि जब डलवाते रहेंगे तो फुल करवा दिया था फर्स्ट टाइम डीजल का हमने। सुबह हम 6 बजे निकले हैं और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया दिल्ली से। हम लोग सुबह सुबह हम लोग मूर्तल 1 घंटे के अंदर मूर्तल भी क्रॉस कर गए क्योंकि जाम नहीं था मॉर्निंग में, और फिर दिल्ली क्रॉस कर गए सुबह सुबह, उसके बाद हाईवे तो फिर वैसे ही जाम नहीं था। हम लोग अच्छा टाइम कवर करते हुए हम लोग बढ़िया से, हम लोगों ने दिन तक अराउंड मतलब कि चंडीगढ़ और शिमला हमने गाड़ी लगा दी थी 2:30 बजे तक, शायद 2:30 बजे तक लगा दी थी। फिर हमारे साथ क्या हुआ था कि जो ब्लॉग में आपने देखा है कि पंचर हो गया था गाड़ी का टायर। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाया ऐसे ही, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली खर्चा हुआ था शायद 400 तक का खर्चा हुआ था। मैं लिखा हुआ प्रॉपर, मैं आपको ना, हाँ मैं एक्चुअली सब कुछ लिख के रखा था कि कोई ऐसा ना हो कि कोई भी ऊपर नीचे हो जाए। तो हमारा स्नैक्स अप्रॉक्सीमेटली रहा होगा 400-450 एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 390 का, तो मतलब 400 मान के चलिए 400 का हमारा स्नैक्स था। तो हमने उसको वहाँ पे किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी दोबारा अपने रनअप स्टार्ट किया और फिर हम लोग इवनिंग में 7 बजे तक, मतलब कि 6:30-7 बजे हम पहुँचे हैं मनाली। मनाली पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत आधा घंटा ऊपर नीचे लगा कि रूम ढूंढने में मिला 1100 का, ये हमको 1100 पड़ा था, 1100 का हम लोगों को रूम लिया, हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। मैं तो सो गया था, उसके बाद इन लोगों ने डिनर वगैरह करा था जो आपने सब ब्लॉग में देखा होगा। हम लेके आए थे, मैंने बताया था कि हम जो स्नैक्स वगैरह लेके आए सिट्टू और तो वो डिनर कितने तक का था, वो उठाया है डिनर वो कितने का तक का था अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है वो डिनर अप्रॉक्सीमेटली सेम 400 रुपये तक का ही था। हमारा फर्स्ट डे जो था, अब हम उसको ऐसा बनाते हैं, फर्स्ट डे हमारा डीजल 4,000 रुपये, स्नैक्स 400 रुपये, फिर हमारा उसके बाद पंचर था और आप उसको हटा दीजिए चलो कोई नहीं 1100 रुपये हमारे रूम के और फिर 400 रुपये इसके, तो हमारा टोटल हो गया फर्स्ट डे का 5,700। तो आते हैं सेकंड डे पे जो कि मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे ही निकले थे हम लोग मनाली के होटल से तो बारिश शुरू हो गई थी, बट इतनी हैवी रेन नहीं हो रही थी। बट उसके बाद जैसे निकले तो देखा तो दूसरा टायर, हाँ मतलब वो वाला नहीं जो भैया ने जिसने मेरे को बताया कि वो भैया ने, वो वाला नहीं, दूसरा कोई अनदर टायर जो कि को ड्राइवर के पीछे वाला था वो पंचर हो चुका था, बैठे भी नहीं थे अभी जिस देखा तो टायर पंचर, ऊपर से बारिश भी हो रही थी और वो एकदम से बहुत तेज हो गई बारिश। फिर हमने शेड वेट देखा वहाँ पे अंकित और इन्होंने टायर चेंज किया, पेट्रोल पंप भी था तो मतलब वो पेट्रोल उस टाइम तक खुला नहीं था क्योंकि वो शायद सुबह 6 बजे के बाद खुलते होंगे, हमारा वो टाइम अराउंड 5:30 का, 5:30 बजे निकल गए थे। हाँ, तो वो हमने पेट्रोल के शेड के नीचे पहले टायर खुद ही दोनों ने हम दोनों ने चेंज वेंज किया, तो हमने कहा चलो। उसके बाद हम टायर वगैरह चेंज करके जब हम ऊपर थोड़ा सा गए तो वहाँ पेट्रोल पंप था, हमने पेट्रोल वगैरह अपना भरवा लिया था जो अराउंड 2200 का आया था। वो डलवाने के बाद हम लोग फिर हम चले बहुत ज्यादा और ना थोड़े थोड़े पत्थर भी गिरने हाँ, लगे थे, स्लाइडिंग हो रहे थे वहाँ ऐसा, हाँ मतलब छोटे छोटे पत्थर जो पानी की बूंदों से छोटे छोटे पत्थर वो गिर रहे थे, तो हमने सोचा एक बार कोई ऐसा कि पीछे चले गया, तो हमने कहा कि नहीं यार बहुत छोटे हैं फटाफट से बस अटल टनल, अटल टनल यही डर जाते तो आगे कैसे जाते, हाँ तो बस अटल टनल तक पहुंच जाते हैं फिर हम देख लेंगे। तो वो नॉर्मली से वो 1-1.5 किलोमीटर का पैस था जो हल्का से जो टनल मतलब पत्थर से गिरे थे उसके बाद, और अटल टनल पे भी मैं रुकना था बट मैं बता रही हूँ जैसे कि बारिश इतनी तेज थी कि हम नहीं रुक पाए, तो हमने अटल टनल की वैसी फोटो ली थी जो आपने देखी है। तो उसको क्रॉस करने के 20 or 22 किलोमीटर अप्रॉक्स के बाद आता है जिस्पा। जिस्पा एक आपकी मॉनेस्ट्री भी है वहाँ पर, बट हम नहीं गए थे क्योंकि हमारा टायर पंचर था, हमारी प्रायोरिटी थी टायर ठीक करवाना। जिस्पा पहुँचने का जैसे हमें पहली कोई शॉप मिली, बिकॉज हम निकले इतने अर्ली मॉर्निंग थे, शॉप्स भी बंद थी, रास्ते में हमें इतना कोई सपोर्ट मिला नहीं,
तो फिर जैसे में कोई फर्स्ट शॉप मिली तो हमने वहाँ अपना टायर वगैरह जो भी था वो चेंज करवाया और फिर से अपना पंचर लगवाया वहाँ पे। स्नैक्स हमारे पास ऐसा हम हाँ स्वयं कुछ था ही नहीं हमारे पास, हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया जिस पास हम लोग चलना स्टार्ट किया, हम लोगों ने जिस पास हम लोगों ने धीरे 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 आगे चलते रहे चलते रहे। एक तो हमारे पास रिवर क्रॉसिंग भी आई थी जिसमें ऐसा था कि गाड़ी शायद अब पता नहीं क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जो कि एकदम परफेक्ट गाड़ी बिना कहीं लगे बिना कहीं रुके आराम से इजिली सब हर्डल्स को क्रॉस करते हुए चले गए। हम लोग पहुंचे सरचू, सरचू में हम लोगों ने रुके, सरचू के आगे जाके रुके थे हम लोग। तो यह है जुलाई में ना, तो जुलाई के हिसाब से अगर हम बताएं कि तो इतना ठंड नहीं था, मतलब कि शायद वहाँ नहीं होता होगा तो जुलाई में इतना ठंडी था। हम लोग सरचू थोड़ा और जाके वहाँ पे बने हुए हैं रुकने के लिए बहुत सारे रिसॉर्ट क्या रिजॉर्ट से बने हुए हैं जिसमें आप रात को रुक भी सकते हैं, कंफर्टेबल है और बहुत ही कोजी वहाँ पे सब कुछ है, ब्लैंकेट लगा रखे हैं तो मतलब ठंड लगने वाला हाँ, चांस नहीं। और वहीं पे वो अपना खाना वाना बनाते हैं वो आपको खिलाएंगे हाँ। वो पेड है जो सब कुछ अलग से, सिर्फ सोने के लिए 200 रुपए है, उसके बाद खाना पीने का सब अलग है। तो हमने वहाँ पे स्नैक्स स्नैक खाया, जो हमको स्नैक्स पड़ा था मैं आपको बताता हूँ, हमारा लंच था एक्चुअली वो प्रॉपर लंच था, ब्रेड ऑमलेट हाँ मैगी और ब्रेड ऑमलेट था और फिर कोक भी थी। तो वहाँ पे हमारा है 300 रुपए का खर्चा, मैं होटल वही ऑफलाइन ऐसे ढूंढा, अंकित वहाँ जा रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, पूजा अपने गाड़ी की खाली के लिए बैठी हुई है जो गाड़ी चोरी हो गई है यार, ठीक है कोई बात चलो ठीक है तो और अच्छी गाड़ी लेंगे हाँ, बट उसका एक वो याद रहेगा। तो हम लोगों ने होटल देखा, मैंने फिर फाइनली एक होटल डिसाइड किया जो कि हमारे माल रोड लद्दाख का माल रोड जो है ना उसके नियर बाय, तो एग्जैक्ट नियर बाय भी नहीं था, था अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर्स दूर था, आधा मीटर से कम था। तो वो मेरे को पड़ा हम तीनों के लिए 2000 रुपये का, तो हम लोगों ने रूम ले लिया 2000 रुपये हमको रूम पड़ा। उसके अंदर हमने अपना सामान वान रखा सारा, फिर हम लोग गए अपने डिनर के लिए हाँ, डिनर करने के लिए हम गए थे माल रोड पे जो सिर्फ 400 मीटर है, ज़्यादा दूर नहीं होगा बताया मैंने, तो हम माल रोड पे गए थे। डिनर कहाँ करा था वो एग्जैक्ट नाम याद है? डोगरा, डोगरा में किया था हाँ। एक्चुअली ले के अंदर दो डोगरा के रेस्टोरेंट है, एक ही ऑनर है उनके, अलग अलग जगह पे हैं। तो जो हम फर्स्ट ले का हमारा स्टे है उसमें हमने डोगरा का माल रोड वाले पे हमने खाना खाया था जिसमें मोमोज वोमोज भी खाए सब कुछ, उसका हमारा बिल बना था 500 रुपये। ये हमारा खर्चा अभी तक का सिर्फ 5000 रुपये है, 2200 डीजल, 300 लंच, 2000 का ले का होटल और 500 का ले का डिनर, जो हमारे 5000 रुपये एग्जैक्ट बैठता है। अब उसमें सेकेंड डे काउंट कर लो या थर्ड डे काउंट कर लो, क्योंकि हमको थर्ड डे निकलना था शार्प मॉर्निंग नूबरा के लिए, उसमें एक परमिट पास भी बनता है जो कि हमने थर्ड डे ही लिया था, मॉर्निंग में ले लिया था, बट हमने पैसे उनके सेकंड डे उनको दे दिए थे। जो अब परमिट पास का ऐसा है कि अगर आपको लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खुद से बनवाना चाहते हैं तो आप खुद से बनवा सकते हैं, आपको पड़ता है 500 रुपये का, जिसमें आप लोकेशन दी जाती है कि आप इस रूट के मैप पे जाएंगे ये जगह आप जा पाएंगे और दूसरी जगह आप नहीं जा पाएंगे, जो कि मैंडेटरी है वो आपका परमिट पास बनवाना नूबरा में और पैंगोंग के इन सब के लिए आपको मैंडेटरी है बनवाना। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने अपने विजिट ऑनलाइन साइट पे देखा तो 500 रुपये था, बट ना उसमें 3-4 दिन बाद दिखा रहा था कि आपको अभी नहीं मिलेगा, 3-4 दिन बाद का मिलेगा। तो मैंने कहा कि यार अब आए हैं अब कैसे होगा, तो हम लोगों ने फिर अपने जो होटल जिन्होंने स्टे किया उनसे बात करी, तो जो मेरा फ्रेंड था मैंने उससे बात करी, उसने बोला कि अब आप क्या करो जो होटल में आपके रिसेप्शन पे हैं उनसे बात करो आपका करवा देंगे। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम करवा देंगे आपको मिल जाएगा, पर आपको 500 की जगह पड़ेगा पर पर्सन 600 रुपये। तो 600 रुपये हमसे उन्होंने पर पर्सन लिया जो कि हमको 1800 रुपये हुआ हमारा, हमने उनको दे दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही उन्होंने हमको परमिट पास हमारा ऑनलाइन आपको मिलता है PDF, वो ऑनलाइन उन्होंने व्हाट्सएप पे दे दिया था। अब सेकेंड डे हमारा खर्चा अभी तक का सिर्फ 5000 रुपये है, 2200 डीजल, 300 लंच, 2000 का ले का होटल और 500 का ले का डिनर, जो हमारे 5000 रुपये एग्जैक्ट बैठता है। अब थर्ड डे में हम परमिट को काउंट करेंगे और जैसा होता है आपको थर्ड डे स्टार्ट करते हैं। फिर ले से निकल के मतलब ले का एक तरह से आप ये मान लो कि ले खत्म ही होने वाला था, वहाँ एक लास्ट पेट्रोल पंप था, वहाँ पे हमने 4000 की फिर से डीजल फुल करवाया है। हमारा दिल्ली टू मनाली और मनाली टू ले जो कि पड़ता है अराउंड 1100 किलोमीटर, जो कि हमारे को गाड़ी ने सिर्फ 6200 के डीजल में 1100 किलोमीटर 6200 रुपये हमको पहुँचा दिया। सीरियसली मतलब उसके बाद हम लोगों ने ले के बॉर्डर पे दोबारा से अपने पेट्रोल फुल करवाया जो कि सेम 4000 रुपये का। फिर हम लोग थोड़ा दूर और चले और आपको पता है कि भूख लगती है, फिर हमें भूख लगी तो हम लोग हुंदर में रुके। हाँ एक्चुअली हमें रुकना डिस्किट में था बट हम लोग हुंदर में रुके। ओके हुंदर भी बहुत सुंदर था और वहाँ पे ना काफ़ी सारे लाइन वाइज कैफेज और ये सब जो थे, और आपको ना ज़्यादातर जो पूरा ट्रिप इस लद्दाख में खाना जो मिलेगा ना वो स्नैक्स ही मिलेगा ज़्यादातर, मैगी, अंडा ऑमलेट, अंडा ऑमलेट
वहाँ जाने के बाद ना हम लोग ऐसी बात कर रहे थे अपने ट्रिप के बारे में, तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कोई सिंगर है लद्दाखी जो बैठे थे, जो मैंने बताया था वो इलियास खान करके, उन्होंने हमें तुरतुक के बारे में बताया था। उससे पहले हमें तुरतुक की कोई नॉलेज नहीं थी और बेसिकली हम जाते भी नहीं, हम पता ही नहीं था। हमने सोचा था दूर क्या करेंगे जाके, 70-80 किलोमीटर है ना, 70-80 किलोमीटर है, दूर जाके क्या करेंगे। अच्छा हम लोग हुंदर में, हमारा था न्यूबरा से वापस आना, लेकिन हमारा थोड़ा सा प्लान अब डाइवर्ट ये होने लगा कि अब उन्होंने इतना वो बताया कि हाँ वो, हाँ पाकिस्तान का लास्ट वो बॉर्डर है, ये है वो, तब इच्छा तो हुई देखने की, मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ तो गांव में आप घुस जाएंगे, तो हाँ। तो गांव में घुसने के बाद तुरतुक गांव के एंड पे एक्चुअली वो उसके आगे आवी तानसेन नाम था गांव का, अरे मतलब तानसेन नहीं तान, तान, हाँ। ओ माय गॉड, इतने दिन भी नहीं हुए हमें गए हुए। तो तुरतुक के एंड में हमको वहाँ पे हमारे सीएसएफ वाले थे, सीएसएफ वाले थे, लेकिन हाँ याद आया, उन्होंने जितने भी आप लोग जाते हैं उनमें से किसी एक का आधार कार्ड लेते हैं कि आप वापस आओगे या जो भी है जैसा भी, लेकिन नाम सबके लिखवाते हैं वो कितने लोग जा रहे हो, फिर वो आके आपको आपका आधार कार्ड देंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि कोई लोग वापस आ रहे हैं नहीं। आपको दिल्ली ले जब आप मनाली से स्टार्ट करेंगे ना चढ़ना, तो आपको ले तक और ले के आगे फिर नूबरा या नूबरा के आगे पेंगुआ, ऐसे आपको बहुत जगह मिलेगी जहाँ पे आपको पुलिस बूथ बने हुए हैं, आपको रुक के वहाँ पे नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपना, वहाँ पे जब हम निकले तो हमें पता लगा कि थांग विलेज है जो लास्ट विलेज है, जो आगे काफी था वहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। फिर हम लोग वहाँ से अपना देख के आराम से वहाँ से रिटर्न हुए ले के लिए वापस, नहीं हम लोग लेके निकले भूल गए, हम लोग आए थे बिस्किट के लिए वापस। ओ सॉरी, वो शाम में नहीं भूल सकती, वो बहुत अच्छी शाम थी हमारी, सीरियसली बेस्ट रात बहुत हो गई, और लोगों ने हमें बोला कि अब आप ले के लिए मत जाना, तो अब डिस्कट में स्टे कर लो, हमको पैंगोंग के लिए निकलना था। तो लोगों ने, आपको याद ही नहीं रहता है बिस्किट की मॉनेस्ट्री में हम लोगों से पर पर्सन 25 रुपए लिए थे, तो हम तीन लोग थे तो 75 रुपए हम लोगों ने दिए, ना वो एग्जैक्ट है ना, हाँ एग्जैक्ट है 25 रुपए उन्होंने हमसे पर पर्सन लिया, हम लोगों ने 75 रुपए दिए, वहाँ गए बिस्किट के अंदर, सेम बिस्किट में वहाँ पे मॉनेस्ट्री में फोटो क्लिक कराई, रील बनाई, जो होगी हम लोग बिस्किट के अंदर ही वहाँ पे रूम। मैं बताऊंगी अब, जब हमें डिस्किट में वहाँ पे रूम मिला तो वो हमने वहाँ पे भी सर्च आउट किया ही था, बट जो परफेक्ट बजट में सूट हो रहा था वो हमें होटल मिला, और हमारा ये था कि अब शाम हो रही थी, ऑलरेडी शाम हो ही गई थी, तो हमें ये था कि थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, तो उन्होंने पूरा सेटअप वगैरह किया हमारे लिए। बिस्किट में रूम जो लिया वो 1200 का पड़ा, खाना जो खाया डिनर जो कि एक्चुअली वो 800 का पड़ा, उसका टोटल हमारे पे हुआ, इसमें 700 रुपये वाला नहीं है क्योंकि हमने नहीं किया है। बाइनोकुलर का आपको 50 रुपये अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बिना लगाए हमारा पड़ा 8275। हम बाइनोकुलर भी लगा, चलो ठीक है, हम इसको राउंड फिगर करते हैं, 8300 हमको ये पड़ा है। थर्ड अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ डे पे। हाँ तो फोर्थ डे हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है बिस्किट के रूम से, तो पहुँच गए थे 5 घंटे में बिस्किट से, 5 घंटे में लगे पैंगोंग के। पैंगोंग पहुँच के हम लोगों ने सेम अगेन फोटो क्लिक करवाई, रील्स, बट पैंगोंग लेक सीरियसली मतलब वो होता है ना आंखों के लिए मेस्मराइजिंग। तो बस वही हम लोग वहाँ पे खाना वाला खाया, उस खाने का हमारा बजट आया था 400 रुपये, सॉरी 500 रुपये का हमारा बजट आया था वहाँ का। तो मैंने अपने दोस्त को ही बोला जॉन जॉर को कि भाई रूम का करवाने को, तो उसने जो हमको फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ ले में हमको जो पड़ा था 2000 रुपये का, वो दूसरी जगह पे वो हमको रूम सिर्फ 1000 रुपये का दिलवा दिया। हम लोग डिनर के लिए गए, डिनर के लिए ही मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप जाना डोगरा करके रेस्टोरेंट है, वेरी डेन का, वो उसी डोगरा की ब्रांच है सेकंड, बट वो थोड़ी सी अलग थी और ये वो वाली अलग थी माल रोड में। हम वहाँ पे गए, उसका खाना अभी तक का, दिल्ली से जब से हम निकले हैं आज फोर्थ डे हमारा लेह का है, सबसे बेस्ट खाना दम आलू मतलब बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना। जो मेरे को पड़ा था इसमें मैंने लिखा हुआ है 550 रुपये का, फोर्थ डे से अभी तक का हमारा खर्चा हुआ है 500 रुपये। हमने सीधा पैंगोंग, क्योंकि बिस्किट से निकल के हमने कुछ नहीं करा, सीधा 500 रुपये हमने पैंगोंग में खाना खाया लंच। फिर स्नैक्स लिए 400 रुपये के, ले का हमने रूम लिया 1000 रुपये का, और डिनर करा हमने 550 रुपये का। अच्छा टायर भी हुआ था, सॉरी टायर हमारा बीच में ठीक हुआ 1200 रुपये का, जो कि हमारा टोटल बैठता है 3650 रुपये, 3650 रुपीज़ का हमारा अभी तक का ये फोर्थ डे है। स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ डे। तो फिफ्थ डे का ऐसा है कि ले में हम लोग को रूम मिला था 1000 रुपये का, हम लोगों ने स्टे कर डिनर किया। हम लोग अगेन सुबह जल्दी 6 बजे निकले, एक दिन 7 बजे मुझे एकदम से सोने दिया है। उन्होंने अब फिफ्थ डे अपना डीजल लगाया है लेके सेम बॉर्डर पे, सेम पेट्रोल पंप पे ही जो हमको पड़ा 2800 का हमने डलवाया, फुल हो गया टैंक 800 में, फुल करवाया डीजल, और हम लोग निकले कश्मीर के लिए। वो था कि वहाँ के कुछ ऐसा था कि आप लोग
जोजिला पास को शायद 5 मिनट के बाद क्रॉस नहीं कर सकते, आपको आर्मी जाने नहीं देती है। तो जोजिला गए हम लोग, उसके बाद क्रॉस कर लिया हमने जोजिला, हमने 2:30 बजे क्रॉस कर लिया था जोजिला ना, जोजिला हमने जल्दी कवर कर लिया। हाँ, तो फिर हम लोग, कई बार कुछ लोगों ने बोलते कि 3 बजे टाइमिंग है या 5 बजे टाइमिंग है, इस हिसाब से कर लिया पहले ही, ऐसा ना हो कि हम लोग अटक जाए, क्योंकि अटक गए तो फिर कार के एक दिन और हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। हमने सोनमर्ग रुके, सोनमर्ग में हम लोग अपना छोले भटूरे ब्रंच, मान लो उसको ब्रंच किया, जो कि हमने खाए छोले भटूरे, वो भी पड़ा था अराउंड 300 रुपए का, 300 रुपए हम तीनों ने छोले भटूरे अपने कोक वो पानी जो भी था सबने लिए के हुआ था, हमारा अच्छे से खासा टाइम था। श्रीनगर पहुंच गए थे हम लोगों ने, बहुत R&D भी करा कि कौन सा रिसॉर्ट लेना है, कि हाउस बोट था, हाउस बोट लेना है, पहले तो डाल लेक ही देख रहे थे, सुंदर थी शिकारा जो मैंने पहली बार देखा, उसको भी शिकारा का बताओ, शिकारा का उन्होंने क्या बताया कि मैं आपसे 1000 रुपए लूंगा, 1000 रुपए में वो हमको जो भी हाउस बोट वगैरह दिखाने वो दिखाएंगे, मार्केट जो सारी घुमानी है वो घुमाएंगे, जो पूरी फ्लोटिंग मार्केट हमने पूरे अपने ब्लॉग्स में इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की थी, बहुत 3 लोगों के लिए एक हाउस बोट वो भी पूरी खाली थी एक तरह से, और वहाँ पे आपको सारे चीजें मिलती हैं, फ्रिज था, मतलब एक तरह से B&B था, पूरा घर ही था, B&B था, सब कुछ आपको मिलेगा, बस B&B ऑन वाटर, ये जो हमारी वीडियोस भी देखी थी मैं आपको बताता हूँ, जो शिकारा का था वो 1000 रुपए का खर्चा था, उसके बाद जो फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग जो करी वो हमारी शॉपिंग हुई है 500 रुपए की, उसमें हमने कहवा पाउडर फॉर्म में जो था वो लिया, और क्या लिया था, वही 3 पैकेट लिए थे ना हमने, तो वो इसलिए 500 हाँ, वही क्योंकि मैं वही लेना था, 200 रुपए कुछ था, 500 रुपए हमको मिले थे। उसके बाद वहाँ का जो स्नैक्स वैक्स खाया हमने, मैगी और कावा पिया भी था, हाँ तो वो हमको मतलब उसमें वो हमको पड़ा टोटल 600 रुपए में, टोटल 600 रुपए में शॉपिंग खाना इनाम ऐसा। अब हमें जाना था जैसे स्नैक्स लेने के लिए, रात के लिए हमें एक्चुअली हमारा प्लान था कि थोड़ा सा जागेंगे लेट तक, तो गए तो वहाँ पे शिकारा ही आ गई पूरी दुकान, हम स्नैक्स लेने गए थे बट वो बट ये थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि वो पानी पे है देखिए, तो वो आपको वही बोलते हैं कि जो देंगे वो क्योंकि भैया वो शिकारा में लेके घूम रहे हैं, तो हमने जो स्नैक्स शिकारा हमने स्नैक्स लिए 600 रुपए के, मतलब सबसे ज्यादा स्नैक्स महंगा हमारा वो पड़ा, क्योंकि हमने ये मान लो कि हम प्राइस भी था और हम लोगों ने दिल्ली तक का ले लिया था, वो उस्मान भैया ने हमको छोड़ा बाहर, हम लोग कौन से नथु में हम लोग गए, वहाँ पे हमने उन्होंने डिनर लिया जो कि हमको खा के हमको खाना था हाउस बोट में, हमने सोच लिया था कि वहीं बस लेके जाएंगे, हमने डिनर लिया था हमारा 700 रुपए का, कुछ नहीं किया हम लोग निकले हैं मॉर्निंग में, हमने फिर पठानकोट में आके करा है अपना डिनर, हमारा कुछ और आगे कोई ब्लॉग नहीं था, सीधा दिल्ली टू वो सॉरी श्रीनगर टू पठानकोट, पठानकोट में हम लोगों ने आके करा है डिनर सीधा, इवनिंग हो गई थी, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, स्नैक्स जो लिया था 600 रुपए ने बताया वही खाते हुए आ रहे हैं हम लोग, बीच में एक दो जगह रुके होंगे तो वो खाया था भुट्टा, हाँ भुट्टा खाया एक दो ऐसे, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, तो हम लोग सीधा पठानकोट में डिनर करा, जो कि डिनर हमारा कॉस्ट था सिर्फ 200 रुपए का, 1600 डीजल हमें पठानकोट में दोबारा डलवाया है 1400 का, 1400 हमने डीजल डलवाया है, और फिर अपना होते हुए हम लोग पठानकोट से रात को 2 बजे का राउंड दलिया, और गाड़ी का हाल तो आपने हमारी गाड़ी का हाल सब कुछ आपने देखा ही होगा, अब टोटल मिला के हमारा हुआ 10,400 रुपए, ये हमारा 5th डे का था 10,400 रुपए। हम लोग 3 लोग गए थे, तो 3 लोगों में आपको कंट्रीब्यूट करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 लोग जाएं, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बस दिल्ली में इतना कम खर्चे में आप जैसे दिल्ली घूमते हैं इतने कम खर्चे में आप ले भी होके आ जाएंगे 5 दिनों के लिए। 32,000 तक का हमारा बजट बना है जो कि हम 3 लोगों का, लेकिन अगर आप इसको 4 में डिवाइड करते हैं तो ये आपको सिर्फ 8,000 रुपये का पड़ेगा। 5 दिन दिल्ली मनाली, मनाली ले डूबरा, डूबरा के अंदर के स्पेस खाटूबला डिस्केट हुंदर तुरतुक, फिर वापस पेंगोंग टू ले फ्यूल, ले टू श्रीनगर, डल लेक, जम्मू, पूरा पंजाब साइड घूमते, सब कुछ हमको हमारी गाड़ी ने जो कि I20 ने हमको दिया सिर्फ 14,600 रुपये का डीजल लगाए। आप इसको पॉज करके देख भी सकते हो, आपको ये हमारा पूरा ना आपको सिनेरियो बता दिया कितना खर्चा कैसे क्या 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 हुआ, तो ये हमारा कंप्लीट ट्रिप का एक ब्लॉग हम बना चुके हैं। अब अपकमिंग ब्लॉग्स आगे आते रहेंगे जो भी होंगे, इस ब्लॉग को देखने के लिए हमारे पूरे इस एपिसोड को देखने के लिए दिल्ली टू ले तक के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका, और सिर्फ हमारा मोटिव जो है वो ये है कि हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता सके, आपने लद्दाख के बहुत सारी चीजें देखी, कई लोग नहीं भी जा पाते, कई लोग नहीं भी जा पाते, उनको इसी के थ्रू जाने को हो जाए कि हम हो गए, कहीं जाना चाहते तो बजट हिसाब से बना दिया है, जेन्युइन चीज है जो आपको बताइए, कोई इसमें कोई फालतू बकवास है नहीं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हम आपको ग्रो करवाइए, हम आपको ऐसे आगे ब्लॉग देते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।